प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य दिव्य स्वरूप के भव्य लोकार्पण के पश्चात अति शीघ्र काशी वासियों व समस्त शिव भक्तों को अब गंगा द्वार और बाबा काशी विश्वनाथ धाम घाट की सौगात मिलने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी व सजीव चित्रण की सहायता से बाबा धाम में हो रहे जीर्णोद्धार कार्य व कॉरिडोर निर्माण की वर्तमान परिस्थिति दिखाएंगे तथा जानेंगे कि कॉरिडोर के द्वितीय चरण में कितना निर्माण कार्य अभी है शेष तथा यह कब तक होगा पूर्ण। इसके अतिरिक्त आपको बाबा धाम में लगे प्रवेश द्वारों के नामकरण की भी जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन करके तैयार हो गया है। अब बाबा धाम में आस्था का सागर नियमित उमड़ रहा है। जितनी संख्या कभी शिवरात्रि अथवा सावन माह में हुआ करती थी, अब वह प्रतिदिन देखने को मिलती है। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पश्चात बाबा धाम में मत्था टेकने और धाम के नव्य भव्य स्वरूप की नयनाभिराम छवि आंखों में संजोने के लिए प्रतिदिन देश भर से लगभग 60 से 70 हजार आस्थावान उमड़ रहे हैं। आते जाते राहगीरों के बीच भक्तों की कतार लग रही है। जानकारी के लिए बता दें, श्री काशी विश्वनाथ धाम विस्तारीकरण व सुंदरीकरण परियोजना में समस्त गेट समेत 24 निर्माण कार्य किए जाने थे। इन्हें 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य था। इसी बीच 4 माह पहले एक भवन रद्द करते हुए छोटे बड़े 9 कार्य और जुड़ गए। इसमें गंगा गेट, रैंप भवन, कैफे भवन, गंगा दर्शन गैलरी, ब्लॉक 4 अर्थात दुकानें तथा चार दीवारी आदि सम्मिलित किए गए तथा इनके लिए 2 माह पहले ही 55 करोड़ रुपए जारी भी किए गए थे। सुविधा को देखते हुए पहले के साथ ही दूसरे चरण के भी कुछ कार्य पूरे कर लिए गए हैं और अब इन्हें पूरा कर हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गौदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर दबाव को कम करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम के द्वितीय चरण का कार्य पूरा होते ही अधिकाधिक भक्तों को गंगा द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। लोकार्पण के पश्चात परियोजना के द्वितीय चरण का काम पुनः गति पकड़ चुका है। इसे पूरा होने में लगभग 2 माह लगेंगे। ऐसे में गंगा द्वार से बाबा धाम में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को फिलहाल 2 माह तक की प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु श्री काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता व भव्यता तो अभी से ही लोगों को आकर्षित कर रही है। विभिन्न भवनों का संचालन आरम्भ होते ही इनका रंग और भी चटक हो जाएगा। बता दें कि एम्पोरियम, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, मुमुक्षु भवन व आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र संचालन के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की ओर से कंपनी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम में आने के लिए भव्य द्वारों को देखकर अब लोगों के सामने दिव्य बाबा धाम का कलेवर भी प्रदर्शित होगा। भव्य द्वार भी बाबा धाम में 4 चांद लगाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि बाबा धाम में लगने वाले सभी दरवाजे सीढ़ लकड़ी से राजस्थान में तैयार किए गए हैं। वाराणसी में इनको लाकर के साफ सफाई और पॉलिश धाम में ही किया गया था। इन दरवाजों की कीमत लाखों में आंकी गई है। वाराणसी में बाबा धाम के सभी द्वारों के भी नाम अब प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से 2 द्वार प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। इन्हीं द्वार से होते हुए श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। गलियों से होते हुए जो भक्त सरस्वती फाटक पहुंचेंगे, उनके लिए भी प्रवेश सुगम होगा। मंदिर प्रांगण में 4 द्वार हैं। अब प्रवेश और निकासी पर मंथन हो रहा है। घाट की ओर से आने वाले श्रद्धालु गंगा द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो वहीं सड़क मार्ग से दर्शनार्थी ढूंढी राज द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे और दशाश्वमेध, त्रिपुर भैरवी गलियों से होते हुए दर्शनार्थी सरस्वती द्वार से मंदिर प्रांगण पहुंचेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के 4थे प्रवेश द्वार का नाम होगा नंदी द्वार, जिसे कि वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। हालांकि बाबा के विशेष आयोजनों के अवसर पर मंदिर प्रबंधन आवश्यकता अनुसार इस द्वार का प्रयोग करेगा। वहीं परिसर में बने सभी सुरक्षा पॉइंटों का नाम भी पास के उस सुरक्षा पॉइंट से सटे भवन के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही प्रशासन रिपोर्ट जारी करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दूसरे चरण के प्रोजेक्ट का काम 60% से अधिक पूरा हो चुका है। पीएसपी के इंजीनियरों की माने तो 1 माह में इसे पूरा कर लिया जाएगा।
इसके पश्चात श्रद्धालु काशी की परंपरा अनुसार गंगा स्नान के पश्चात सीधे बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। अब यदि काशी विश्वनाथ धाम के घाट निर्माण कार्य की बात करें तो सीढ़ियां बनाने के लिए स्लैब बनाए जा चुके हैं, बस सीढ़ियों का स्टेप बनना बाकी है जो कि अब संचालित हैं, तथा जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ललिता घाट की ओर गंगा नदी में सीढ़ियों का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है। लाल पत्थर के चौक लग चुके हैं तथा सीढ़ी के स्टेप के लिए मोटे मोटे पत्थरों को लगाया जा रहा है। जैसे ही यह स्टेप बनकर पूरा होगा उसके पश्चात गंगा के रास्ते 80 सीढ़ियों को पार कर श्रद्धालु सीधे बाबा धाम में पहुंचेंगे। संभावित है कि इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वर्तमान में गंगा द्वार के रास्ते अभी श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए गंगा से गंगा द्वार तक अस्थायी रास्ता बनाया गया था जिस पर कि अभी काम चल रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए अभी प्रशासन ने इस रास्ते से प्रवेश बंद कर दिया है। गंगा द्वार पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। बता दें कि बाबा धाम के लोकार्पण से पहले दिन रात शिफ्टों में काम कर रहे श्रमिकों को कंपनी ने एक सप्ताह की छुट्टी दी थी तथा अब पुनः तीव्र गति के साथ कार्य संचालित है, जिसकी की एक्सक्लूसिव दृश्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें कि सन 1669 में औरंगजेब के आदेश के पश्चात मुगल सेना ने हमला कर आदि विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया था। मुगल हमले के पश्चात पुजारियों ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में दोबारा शिवलिंग की स्थापना कर पूजा पाठ आरंभ किया था तथा वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में कराया था एवं आज भगवान श्री काशी विश्वनाथ धाम में पुनः अपने भव्यतम स्वरूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना का निर्माण है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण कार्य की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।